महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनी को कहा जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र में की थी। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह हैं। इनके द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा जी को कहा जाता है। आनंद वन के संस्थापक बाबा आमटे हैं। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक बुडो विल्सन्स जी को कहा जाता है। ऑरविले आश्रम जो कि पुदुचेरी में है, इसके संस्थापक अरविंद घोष जी हैं। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे हैं। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरिबाल्डी के द्वारा की गई थी। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल जी के द्वारा की गई। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। समाधि स्थल तथा उनसे संबंधित व्यक्ति। राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को कहा जाता है। विजयघाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को कहा जाता है। अभयघाट मुरारजी देसाई का समाधि स्थल अभयघाट कहलाता है। वीरभूमि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल होता है उसे वीरभूमि कहते हैं। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह जी का समाधि स्थल जो है उसको एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल है उसको चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। महाप्रायण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो समाधि स्थल है उसको महाप्रायण घाट के नाम से जाना जाता है। संघर्ष स्थल देवीलाल जी का जो समाधि स्थल है उसको संघर्ष स्थल के नाम से जाना जाता है। शांति वन जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है उसे शांति वन के नाम से जाना जाता है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी का जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट के नाम से जाना जाता है। समता स्थल जगजीवन राम जी का जो समाधि स्थल है उसको समता स्थल कहा जाता है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा जी का जो समाधि स्थल है उसको कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी का जो समाधि स्थल है उसको नारायण घाट कहा जाता है। उदय भूमि के आर नारायण जी का जो समाधि स्थल है उसे उदय भूमि कहते हैं। स्मृति स्थल इंद्र कुमार गुजराल का जो समाधि स्थल है उसे स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। प्रमुख पुरस्कार तथा उनसे संबंधित क्षेत्र। अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसके तो नाम से स्पष्ट है ये खेल में दिया जाता है। इसका प्रारंभ 1991 से 1992 में किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल के जो कोच होते हैं उन कोचों यानी शिक्षकों प्रशिक्षुओं को दिया जाता है। इसका प्रारंभ सन 1985 में किया गया था। भटनागर पुरस्कार यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में यदि कोई उल्लेखनीय योगदान देता है तो उसको बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान
साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है, सरस्वती सम्मान ये भी हमारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और शंकर पुरस्कार ये भारतीय दर्शन संस्कृति या कला के क्षेत्र में दिया जाता है। स्काउटिंग की स्थापना ये बेडन पावेल ने की थी। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। प्रमुख चिन्ह एवं उनके प्रतीक। कमल यह संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक होता है। रेड क्रॉस यह डॉक्टरी सहायता व अस्पताल से संबंधित होता है। लाल झंडा यह खतरे व क्रांति का सूचक होता है। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। उल्टा झंडा यह संकट का प्रतीक होता है। झुका हुआ झंडा यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त वाले लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर इसको लगाया जाता है। संक्रामक रोगग्रस्त आप समझ सकते हैं, अभी कोरोना जैसी जो बीमारियां होती हैं, संक्रामक बीमारियां, इनको ले जाने वाले जो वाहन होते हैं उनके ऊपर पीले रंग के झंडे का उपयोग किया जाता है। कबूतर पंछी शांति का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण यानी इस प्रकार की एक लाल रंग से संरचना बनी होगी, यह परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। बाह पर काली पट्टी यानी जब लोग शोक करते हैं या विरोध करते हैं या दुख का ये क्या होता है प्रतीक, दुख को प्रकट करते हैं तो अपनी बाह के ऊपर काले रंग की पट्टी को बांध करके शोक विरोध या दुख को प्रकट करते हैं। चक्र जो होता है ये प्रगति का क्या होता है प्रतीक होता है। और जो ओलिव की जो शाखा है, ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक होती है। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। किंग मेकर अर्ल ऑफ वारबेक, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर, लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैन ऑफ विलर एंड आयरन बिस्मार्क, कर्नल दिलीप बेंगलकर, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, दिलीप कुमार यूसुफ खान, गरीब नवाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, फ्रांस का गांधी पियरे प्रौडी, इटली का गांधी डेनिलो डाल्सी, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला, दीनबंधु सी एफ एंडूज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, तोता ए हिंद अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी को कहा जाता है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, भारत की कोकला सरोजनी नायडू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशन को जाना जाता है। देशबंधु
चितरंजन दास, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, गुरुजी एम एस गोलवरकर जी को गुरुजी के नाम से जाना जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय, बाबूजी जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, उड़नपरी पीटी ऊषा, स्वर कोकला लता मंगेशकर, ताऊ देवी लाल जी को कहा जाता है, माता बसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय, भारतीय मैकियावेली चाणक्य, चाणक्य के तो और उपनाम हैं आप कमेंट में बताएंगे, भारतीय इतिहास का नृप निर्माता सैयद बंधुओं को कहा जाता है, लिटिल कापुरल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, भारतीय फिल्मों का पितामह घुंडी राज गोविंद फालके, आधुनिक चाणक्य पी वी नरसिम्हा राव को कहा जाता है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज, देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को, विलेक गांधी मार्टिन लूथर किंग को, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, ग्रैंडमैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को, और सुपर कैट के नाम से क्लाइव लॉयर जाने जाते हैं, हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर, मेड ऑफ ओलियस जॉन आर्क, वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर जी को कहा जाता है।